मिक्का जी जहाँ हो तो वहाँ तो माहौल रंगीन हो ही जाता है, मतलब लाल हो जाता है, हम तो ऐसे ही काले हो गए। बट वी आर वेरी हैप्पी दैट मिका जी हैज लैंडेड हिज वॉइस, तो अभी हमारा म्यूजिक हमारी पिक्चर को हिट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बट दिस इज अ ग्रेट एटमोसफियर, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। एंड इनफैक्ट हम दो गाने कर रहे हैं, एक तो गल्ला गोरियाँ और हीट सॉन्ग है, दोनों ही बहुत फैंटेस्टिक सॉन्ग है। एंड एक्टिंग का तो आपको पता ही है मनीष जी का, और मनीष जी को हम भी साथ दे रहे हैं, मनीष जी की बुराई कर रहे हैं, इनकी एक्टिंग का तो पता ही है। बट दिस इज ही इज ब्रिलियंट इन द फिल्म एंड दिस इज अ हिलेरियस फिल्म। हालांकि लोगों को लगता है कि क्या है, बट मेरे को बहुत मजा आया एंड लोगों को भी बहुत मजा आया था। और अब तो चार चांद लगा रहे हैं ये इस गाने में। एंड बाबा ब्लैक शीप पिक्चर का नाम है, मैं तो बोलो बोला बिल्कुल बाबा ब्लैक शीप फिल्म का नाम है। और मजे की बात यह है, मिका पाजी ने स्पेशली एक बार कहने पे आई थिंक गाने के लिए हाँ कर दी, विच वॉज कमेंडेबल। तो मैंने आपको नीचे आते हुए बोला दैट इज अ लार्ज हार्टेडनेस ऑफ मिका जी। बिल्कुल मिका पाजी ने बस सिंपल बोला, बस तू भाई है, तूने बोल दिया गाना होना है, सो बिग थैंक्स मिका पाजी। गाना भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, और ऊपर से इसका डांस भी कमाल है। एंड आई एम श्योर के मैं भी डांस कर रहा हूँ। और कुछ पूछना? 15 किलो बेटा, 10 किलो 15 किलो लूज किया है भाई साहब। हम चुल्लू भर पानी में जाके डूबने वाली हालत हो गई थी, मैं बॉडी बना के आता देखता था ये थोड़े और कम हो गए, मतलब कमाल फिटनेस सर ने दिखाई है, इट्स कमेंडेबल। बिकॉज आई थिंक इसी मुझे लगा कि मैंने कभी वेट लूज ऐसे नहीं किया, तो ये पिक्चर में मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दी। बिकॉज डबल एज रोल है, एक बेवकूफ़ सा पागल सा थका हुआ सा कॉमेडियन बाप है, और बाद में उसको पता लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, तो मुझे लगा विजुअली थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए। तो अच्छा इट्स वर्कड आउट वेरी वेल, वेरी गुड। वेरी गुड। सबसे पहला कमेंट जो मुझे याद है जो मुझे मिला था वो था अनुपम सर का, बिकॉज सर ने जो रशेस देखे थे एंड स्पेशली मुझे पर्सनली कॉल किया था कि मनीष तो फिल्म में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा काम किया। सो मुझे बाकी इतना नहीं, मुझे इनसे बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आई थिंक हम सभी जानते हैं कि सर हमारी इंडस्ट्री के कितने कमाल के एक्टर हैं। एंड बाकी जो ट्रेलर आया है सब ने बहुत पसंद किया ट्रेलर, सो अभी तक वी आर वेरी हैप्पी। नो आई थिंक इट्स ऑलरेडी क्रॉस 3-4 मिलियन दिस थिंग, तो बड़ी इस फिल्म के लिए इसका बहुत, इस तरह की फिल्म के लिए, और आजकल फिल्म अच्छी होनी चाहिए, मतलब दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल जी। और आई थिंक मोर देन 30 ईयर्स हो गए आपको सर इंडस्ट्री में? 512 फिल्म सर ने करी। मैं अभी बोल रहा था इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा एक्टिव, मतलब अभी एले बैठे हैं फिर यहाँ आ गए फिर कहीं चले गए, आई थिंक कमेंडेबल। ऑल टाइम फेवरेट कंपटीशन मेरी उम्र के लोगों के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन है वरुण धवन के साथ, यू नो, इन लोगों के साथ है। बिल्कुल मैं थोड़ा अपने बाकी लोगों का दूंगा। तो आप देख लो, मतलब डैडी मूवी से लेके या कर्मा मूवी से लेके अभी तक सर रूल कर रहे हैं, और हमारी बेस्ट विशेस है कि सर ऐसे ही छाते रहेंगे। और सबसे और मिका जी जब फेलियर का डर नहीं होता ना, ये आदमी एक्सपेरिमेंट करता जा सकता है। हमको डर लगने लगता है कि अभी मैं, और मुझे कभी लेजेंड थेस्पियन ये बुलाया जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। दैट मींस इनका मतलब है कि अब आपको थेस्पियन बुला रहे हैं, आपका पैकअप हो गया, आप रिटायर हो जाओ। मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ। क्या बात है, थैंक यू। अभी इसी से फिल्म से जुड़े हुए जितने सवाल है पूछ लो आप, जो ठोड़ी पे हाथ रख के बात करने लगे हैं ना, जो थोड़ा सा जो सवाल कहीं और से सवाल ला रहे हैं अपनी बेबाक राय रखते हैं। हाँ मगर इस पिक्चर के प्रमोशन पे है ना, फिर आप सिर्फ वही चलाओगे। इसमें भी सर ने बेबाक पन से बताया कि बेटा मनीष एक्टिंग कैसे करनी है, और उन्होंने पूरे मुझे बताया, एक एक सीन समझाया, और इतना कमाल का हमने काम। क्या बात, ओम नमः शिवाय, ओम जय हो बाबा ब्लैक शीप, जरूर देखें, धन्यवाद, थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बड़ा जो आपने सवाल की पूछा है ना, इट्स ए वेरी सीरियस क्वेश्चन। वी कैन नॉट ऑन ए सेट लाइक दिस वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग सॉन्ग्स एंड थिंग लाइक दैट टॉक समथिंग लाइक दिस। इसके लिए आप मुझे बाहर मिलिए। अनुपम सर, इस पिक्चर में आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, लाइक पहले सीरियल किलर और फिर सेकंड हाफ काजू बेचने वाले हैं सर। हाँ हम काजू बेचने वाले हैं, और पता नहीं लगता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग। आई थिंक विश्वास हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आर्ट डायरेक्टर हमारे डायरेक्टर सर। अरे इधर तो आओ, ये हमारे डायरेक्टर साहब भी देखिए मेरे साथ। विश्वास ने देखिए, विश्वास इज द फोर्थ पर्सन और डायरेक्टर हु हैज वर्कड विद मी इन माय ऑफिस फर्स्ट। दैट्स राइट। विश्वास, इम्तियाज अली,
और भी दो दो अपना अपने अभी अपना नाम भूल गया बट सो फॉर हिम फॉर मी टू सी हिज ग्राफ और इनफैक्ट इसकी शादी भी मैंने कराई यस आई स्टार्टेड वर्किंग विद अनुपम जी जो प्राची हमारी टेलीविजन की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं डांसर हैं बहुत अच्छी जो उनके फादर हैं उन्होंने कहा कि अगर अनुपम जी ने हाँ बोली बिकॉज वो खिलाफ थे शादी के मैं ये बोलना ठीक है सर मीडिया के सामने हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब तो शादी होगी अब तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं मीका जी नहीं नहीं बिल्कुल जी उन्होंने फादर ने ओके प्राची के फादर नु मैं मैनू मिलन आए बिकॉज ही वॉज वर्किंग विद मी तो उन्होंने कहा अगर अनुपम जी ने आपको सर्टिफिकेट दिया तो ठीक है तो फिर ठीक है आप कितने साल हो गए शादी को सर 12 साल सो ही इज वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस फिल्म वी नीड टू विश हिम मेरी 510वीं 512वीं फिल्म है मगर इसकी पहली फिल्म विश ऑल ऑफ अस बहुत अच्छा काम है तो इसने वो कंसीव किया था कैरेक्टर और इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और अब तो आज तो मीका जी का दिन है अब बस जी बस ताकत नहीं रोक सकती हां थैंक यू जी थैंक यू यार फोटो सर फोटो विजन ले लो विजन ले लो विजन ले लो मारो ना सर
हेलो स्कारलेट का है सर, अपना पूरा तो सीरियस है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, लो स्टेप चालू करेंगे ना, ये क्या नया आइटम चालू कर दिया, इसका हाथ पकड़ के लेके जाओ, तुम लोग नाश्ता करो। वेरी कौन स्कारलेट की या तो मैं हाथ हिला सकता हूँ या मुंह हिला सकता हूँ। अच्छा एक ही बात करेंगे
इधर ही रहना। Wait, I don't know.